चलिए शुरू करते हैं आज की पाठ नंबर 2, जो आर्थिक समीक्षा हमारी चल रही है। इसका पहला पाठ कल डाल दिया गया था। यदि आपने उसको नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। 20% डाल दिए थे, अब 21वां प्रश्न आज से शुरू कर रहे हैं। देखिए, 21वां प्रश्न है, शहरी जनसंख्या के प्राप्त आंकड़ों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। जो सही नहीं है उसको आपको छांटना है। तो यहाँ पर पहला जो विकल्प है वो है, राजस्थान में कुल जनसंख्या का 26.33% है। 26.33% जनसंख्या शहरों में निवास करती है। बिल्कुल सही है, राजस्थान में 26.33% जनसंख्या शहरों में निवास करती है और भारत में 34.43 करती है। इसका मतलब तो ये है कि भारत में की जो शहरी जनसंख्या है वो राजस्थान की तुलना में ज़्यादा है। ठीक है, तो पहला विकल्प भी सही है, दूसरा विकल्प भी सही है। तीसरा विकल्प है, राज्य में कोटा व जयपुर में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या है। तो ये भी बिल्कुल सही है, कोटा में 60% है और जयपुर में 52% जो है वो जनसंख्या शहरी है। चौथा विकल्प है, राज्य में अलवर और भरतपुर में न्यूनतम शहरी जनसंख्या है। तो आपका ये ही विकल्प सही नहीं है, क्योंकि अलवर और भरतपुर में नहीं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जो है वो न्यूनतम शहरी जनसंख्या निवास करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब साथियों, जो कल जो मैंने आपको वो बताया था कि पहले पार्ट का जो की पॉइंट्स थे, उसमें आपको ये दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें ध्यान रखना, पिछली बार प्रति व्यक्ति आय 80,545 था, अब की बार ये जो है वो बढ़ के 86,134 रुपये हो गया है प्रति व्यक्ति आय, स्थिर कीमतों पर। ये स्थिर कीमतों पे है और इस पर इसमें 6.94% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय एक प्रचलित कीमतों पर और निकालते हैं। पिछली बार आपने पढ़ा होगा 1,35,962 रुपये था, जो अब की बार बढ़ के 1,56,159 रुपये हो गया है और इसमें जो वृद्धि दर है वो लगभग 15% अर्थात 14.85% इसमें वृद्धि दर हुई है। एक तो ये चीज़ ध्यान रखना है। एक आपको ध्यान रखना है कि मैंने आपको पहले वाले जो स्लाइड थी उसमें मैंने बताया था, चार स्मार्ट शहरों के बारे में बताया था। जयपुर है आपका, अजमेर है, इसके अलावा आपका कोटा है और उदयपुर है। जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर, ये चार शहरों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आज के दूसरे प्रश्न पे पहुँचते हैं। SDG इंडिया इंडेक्स 3.0 राजस्थान में राजस्थान का स्कोर क्या है। तो साथियों, इस प्रश्न को आप बहुत महत्वपूर्ण मानिए। इस प्रकार के प्रश्न जो भी प्रशासनिक सेवाओं के लिए परीक्षाएं होती हैं, बड़ी परीक्षाएं होती हैं, इस प्रकार के प्रश्न उसमें जरूर पूछते हैं। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसका जो SGD इंडेक्स 3.0 है उसमें राजस्थान का स्कोर 60 है। ठीक है, तो विकल्प नंबर 2 आपका हो जाएगा इसमें सही आंसर। अब यहाँ पर जो सभी स्टेट्स हैं उसके बारे में मैंने बताया है। देखिए, राजस्थान का जो स्कोर है वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 60 है और सर्वाधिक स्कोर है आपके 74। इस इंडेक्स में इस 74 से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो दो स्टेट हैं, एक तो आपका तमिलनाडु जिसका 74 स्कोर है और एक आपका हिमाचल प्रदेश, इन इसका 74 है। इसके अलावा किसी का भी नहीं है। देखिए, मिजोरम में आपका 68 है, राजस्थान का 60 है, मध्य प्रदेश का 62 है, उत्तर प्रदेश का भी 60 है। इस प्रकार ये आपका SGD जो है इंडिया इंडेक्स 3.0 का राज्यों का प्रदर्शन की यहाँ पर आपके स्लाइड प्रदर्शित की गई है। तीसरा प्रश्न है आपका 23वां आज का, निम्नलिखित में से राजस्थान के कितने स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में नामांकित हैं। यदि आप इस प्रश्न को जानते हैं, यदि इसका उत्तर आप दे सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में, जब तक इसका आंसर मैं नहीं बताऊं तब तक आप इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, जिससे आपको खुद की तैयारी पर कॉन्फिडेंस होगा। तो यहाँ पर जो इस 23वें प्रश्न का आंसर है वो आपका 4 नंबर का विकल्प सही आंसर होगा, क्योंकि 6 तो किले हैं, एक जयपुर वोल है ना, और एक आपका जो जंतर मंतर है। तो ये 8 जो है वो आपके आर्थिक समीक्षा 2022-23 में दीर्घ है। देखिए, राजस्थान में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 8 हैं, जिसमें एक तो संरक्षित क्षेत्र है जयपुर शहर की जो दीवार है वो, एक उसमें वैधशाला है जो जंतर मंतर है, और उसमें 6 पहाड़ी किले हैं जो जून 2013 में यूनेस्को की धरोहर में शामिल किए गए हैं। वो 6 किले कौन कौन से हैं? एक तो जैसलमेर का किला है, गागरौन का किला है, रणथंबोर का किला है, कुंभलगढ़ का किला है, चित्तौड़गढ़ का किला है और आमेर का किला है। तो 6 तो किले हैं, एक संरक्षित क्षेत्र है और एक वैधशाला है, इसलिए 8 को हमको मार्क करना पड़ेगा। 24वां प्रश्न है,
आर्थिक समीक्षा 2022-23 के प्रकाश में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब आपको इसमें असत्य कथन का चयन करना है। देखिए, पहला जो विकल्प है वो है भारत की कुल प्रजनन दर राजस्थान की कुल प्रजनन दर से अधिक है। भारत की कुल प्रजनन दर राजस्थान की कुल प्रजनन दर से अधिक है, तो ये विकल्प आपका सही है, क्योंकि भारत की प्रजनन दर है आपकी 2.2 और राजस्थान की प्रजनन दर है 2। ये भारत की है और ये राजस्थान की है, तो इसका मतलब ये है कि पहला विकल्प तो आपका सही है। दूसरा विकल्प देखो, भारत की कुल शिशु मृत्यु दर राजस्थान की कुल शिशु मृत्यु दर से अधिक है, तो ये यहाँ पर विकल्प गलत है, क्योंकि भारत की जो शिशु मृत्यु दर है वो है 40.7 प्रति हज़ार पे, और राजस्थान की जो शिशु मृत्यु दर है वो 41.3 है प्रति हज़ार पे, तो इसका मतलब राजस्थान की ज़्यादा हुई। तो भारत इसमें कह रहा है कि भारत की कुल शिशु मृत्यु दर राजस्थान की कुल शिशु मृत्यु दर से अधिक है, तो भारत की ज़्यादा बता रहा है जबकि राजस्थान की शिशु मृत्यु दर ज़्यादा है, तो ये विकल्प आपका गलत हो गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आगे देखते हैं, भारत की कुल संस्थागत जन्म दर राजस्थान की कुल संस्थागत जन्म दर से अधिक है, तो ये भी आपका सही है, क्योंकि भारत की कुल संस्थागत जो जन्म दर है वो 88% है और राजस्थान की 95% है, तो ये सही है। भारत की कम है इसमें राजस्थान से, तो बिल्कुल सही है, राजस्थान की भारत की राजस्थान से कम है, ये सही है। और चौथा विकल्प तो अपना आप में सही है कि राज्य में सतत विकास लक्ष्यों के रूप में कुल 17 लक्ष्यों के 169 टारगेट्स को 2030 तक अर्जित करना है, तो ये भी सही है। तो आपका आंसर नंबर विकल्प नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। साथियों, यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऐप का लिंक मिलेगा, उस लिंक के थ्रू आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या RJ टेस्ट सीरीज के नाम से आपको ऐप मिल जाएगा, हमारी जो ये वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में, तो उसके थ्रू आप उसको डाउनलोड कर लें और वहाँ पर ये PDF आपको डाउनलोड मिल जाएगी PDF फॉर्मेट, ठीक है। अच्छा, तो ये तो सारा मैंने आपको बता ही दिया था, इसके PDF आपको मिल जाएगी। अब देखिए, 25वां प्रश्न है, SDG 2030 एजेंडा में राजस्थान की हाल ही में रैंक में सुधार हुआ है, बताओ SGD 2022 में राज्य की रैंक क्या है। तो राज्य की रैंक के बारे में आपको मैंने ये बताया था, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये 60वीं रैंक है, तो 4 नंबर का विकल्प आपका इसमें सही हो जाएगा। अब SGD इंडेक्स में एक आपको ये भी ध्यान रखना कि जो 33 जिले हैं उन 33 जिलों में फर्स्ट तो आपका जयपुर रहा है, और एक आपका सबसे नीचे 33वां जिला है वो उसके 50% से कम अंक है, तो वो है आपका 12, तो 12 के बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 26वां प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा निम्न में से कितनी योजनाओं को राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं का दर्जा दिया गया है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 33 योजनाएं हैं जिनको राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं का दर्जा दिया गया है। अब देखिए साथियों, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान निम्न में से कब लागू हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला विकल्प जो है वो आपका सही है, 26 अक्टूबर 2020 को, क्योंकि 18 दिसंबर 2019 को निरोगी राजस्थान शुरू हुआ था, ये निरोगी राजस्थान। फिर 1 मई 2021 को आपका निशुल्क निरोगी राजस्थान नामक कार्यक्रम चला था, और 1 मई 2022 को मुख्यमंत्री जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, 1 मई 2022 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू हुई थी आपके 1 मई 2022 को, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के अंतर्गत वर्तमान दवा सूची फरवरी 2023 तक का है, ये डेटा आपको ये ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के अंतर्गत वर्तमान दवा सूची में कितनी दवाएं सूचीबद्ध हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है साथियों, वर्तमान में 1594 दवाएं लिस्टेड हैं, 928 आपके सर्जिकल आइटम्स हैं और 185 सूचर्स हैं, तो आपको ये दवाओं का जरूर ध्यान रखना है, संख्या 1594, मतलब इसमें आपका एक नंबर का विकल्प यहाँ पर आपको बताना है।
अच्छा, इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना आपको कि पिछली जो आर्थिक समीक्षा की स्लाइड थी, 1 से लेकर 20 प्रश्न, उसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न और था कि वर्तमान में जो राजस्थान की विद्युत अधिष्ठापक क्षमता है वो कितनी है। तो 23,487 मेगावाट जो है अधिष्ठापक क्षमता है, और ये डेटा है आपका नवंबर 2022 तक का। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1594 दवाएं बताई, 928 सर्जिकल आइटम बताई, और 185 आपके सूचर्स हैं जो आर्थिक समीक्षा 2022 में 22-23 में बताया हुआ है। अब देखिए 29वां प्रश्न है आज का कि इंदिरा रसोई योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इंदिरा रसोई योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये योजना 20 अगस्त 2020 को लागू की गई थी। ये योजना 20 अगस्त 2020 को लागू की गई थी, बिल्कुल सही है। योजना अंतर्गत 8 रुपये में पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाता है, ये भी सही है। बजट 2022-23 में जो इंदिरा रसोई की संख्या है उसको 358 से बढ़ाकर 1000 कर दी गई है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब सारे के सारे विकल्प आपके सही हैं और 4 नंबर का विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें 250 करोड़ का ये आपको पीडीएफ में मिली जाएगी, इसमें ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। 30वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। घर घर औषधि योजना निम्न में से कब चलाई गई थी। तो घर घर औषधि योजना आपके 1 अगस्त 2021 को चालू की गई थी, जिसमें औषधीय पौधों का वितरण किया जाता है आपका गिलोय नीम इत्यादि का। 31वां प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, मैंने आपको बताया था पहले भी कि कुछ डेटा आपको साथियों जरूर ध्यान रखना है। एक तो 86,134 और 1,56,159 मैंने आपको बताया था। अब ये डेटा है काहे का, ये डेटा है प्रति व्यक्ति आय का। अब प्रति व्यक्ति आय दो क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि एक तो स्थिर कीमतों पर होती है प्रति व्यक्ति आय, ये आपका 86,134 रुपये स्थिर कीमतों पर है और ये आपकी प्रचलित कीमतों पर है, और आधार वर्ष है आपका 2022-23, ठीक है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो है आपका स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय में 6.34% और उसमें आपका 14.85% प्रति वो वृद्धि दर इसमें देखी गई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं प्रश्न को कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के प्रकाश में प्रचलित कीमतों पर, प्रचलित कीमतों का मतलब ये वाली चीज अपने को ध्यान रखना है, प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 1,56,149 रुपये है, ये बिल्कुल सही है। भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,70,620 रुपये, बिल्कुल सही है, ये भी प्रचलित कीमतों पर। यानी अब इस चीज में आपको एक चीज और देखना है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय से ज्यादा है, लगभग 14,000 रुपये ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, तीसरा विकल्प है राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय में पिछले वर्ष की तुलना में 14.85 मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सही है। और भारत की प्रति व्यक्ति आय में पिछले वर्ष की तुलना में 13.7% की वृद्धि हुई है। यहाँ पर ये दोनों विकल्प है, 3 नंबर का और 4 नंबर का विकल्प मैंने इस वजह से आपके पेपर में डाला है, क्योंकि कई बार प्रश्न ये कथन और कारक वाले प्रश्नों में पूछ लेते हैं। यदि ऐसे आ जाए कि भारत की प्रति व्यक्ति आय पिछले वर्ष की तुलना में राजस्थान की तुलना में ज़्यादा बढ़ी, तो वो कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय में प्रचलित कीमतों में प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि दर है वो राजस्थान की ज्यादा रही है और भारत की कम रही है। तो ये जो डेटा है चारों के चारों का तन सही है, तो उपरोक्त सभी आपका विकल्प हो जाएगा और यहाँ पर ये प्रश्न आपका कंप्लीट 4 नंबर का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर सेम प्रश्न वही है, लेकिन जो स्थिर कीमतों का वो कीमतों का आधार है वो पहले प्रचलित कीमतों का था, अब स्थिर कीमतों का दे दिया। तो मैंने अब एक बार फिर से वो डाटा लिखता हूँ, देखिए डाटा लिख रहा हूँ स्थिर कीमतों पर 86,134 रुपये, और ये पिछली बार था आपका 80,545 रुपये, और इसमें वृद्धि दर हुई थी 6.94% की वृद्धि हुई थी, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1,35,962 रुपये पिछली बार प्रचलित कीमतों पे था, जो अब की बार 1,56,159 रुपये हो गया, और इसमें जो वृद्धि दर हुई थी 14.85% हुई थी। तो ये तो अभी पहले वाला प्रश्न था वो हो गया। अब डाटा यहाँ से ले गए थे, देखिए राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय 86,134 रुपये किस कीमत पे, स्थिर कीमत पर 86,134 पे 86,134 ये वाला विकल्प सही है। भारत में प्रति व्यक्ति आय 96,522 रुपये, ये भी सही है।
अब यहाँ पर दोनों ये एक नंबर का और दो नंबर का विकल्प है वो इस वजह से दिए हैं ताकि आप तुलना कर सकें कि भारतीय प्रतिव्यक्ति आय ज़्यादा है या राजस्थान की प्रतिव्यक्ति आय ज़्यादा है। सीधा सीधा भारत की प्रतिव्यक्ति आय को भी नहीं पूछेगा, लेकिन राजस्थान की प्रतिव्यक्ति आय के साथ स्थिर कीमतों पर प्रतिव्यक्ति आय भारत की प्रतिव्यक्ति आय की तुलना पूछ सकता है कि कम है या ज़्यादा है। तो आपको ये डेटा जरूर ध्यान रखना है कि भारत की प्रतिव्यक्ति आय चाहे वो स्थिर कीमतों पर हो और चाहे वो प्रचलित कीमतों पर हो, दोनों में ही भारतीय प्रतिव्यक्ति आय राजस्थान की प्रतिव्यक्ति आय की तुलना में ज़्यादा है साथियों, ये ध्यान रखना। लेकिन दोनों में ही चाहे वो स्थिर कीमत हो चाहे प्रचलित कीमत हो, भारत की तुलना में जो वृद्धि दर है वो राजस्थान की ज्यादा रही है। एक बार दोबारा बता रहा हूं कि भारत की प्रतिव्यक्ति आय चाहे वो स्थिर कीमतों पर हो चाहे वो प्रचलित कीमतों पर हो, राजस्थान की प्रतिव्यक्ति आय से ज्यादा है। लेकिन जो स्थिर कीमतों पर मान लो चाहे प्रचलित कीमतों पर मान लो जो वृद्धि दर है वो राजस्थान की वृद्धि दर भारत की वृद्धि दर से ज्यादा है दोनों में। अब देखिए यहां पर राजस्थान की प्रतिव्यक्ति आय पिछले वर्ष की तुलना में 6.94% रही और भारत की 5.5% रही। तो ये यहां पर ये जो तथ्य मैं आपको दे रहा हूं उसे आपकी समझ डेवलप होगी कि राजस्थान की भारत की तुलना में क्या स्थिति है। तो विकल्प चारों के चारों ही सही हो गए आपके, तो ये विकल्प नंबर चार आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 33वां प्रश्न है आपका, राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष क्या है। तो आधार वर्ष तो ये इस प्रकार के आधार वर्ष ही पूछता है और आधार वर्ष WPI का आधार वर्ष आपका 1999-2000 = 100 है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें थोड़ा सा एक आपको ये ध्यान रखना है कि जो अब की बार का WPI इंडेक्स है उसमें कुल 154 वस्तुओं को शामिल किया गया था। इन 154 में से आपकी 75 तो प्राथमिक वस्तु थे, गुणंतर आपकी विनिर्मित वस्तु थे और 10 वस्तु आपकी ईंधन वाली वस्तु थी। तो 154 में 45 गुणंतर और 10 का जो है वस्तु इसमें जो शामिल की गई उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। 34वां प्रश्न है, अंतिम प्राप्त आंकड़े 2015-16 के बाद में राज्य में कृषि से संबंधित कोई आंकड़े प्रचलित नहीं हुए, इसलिए कई बार पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर में इस प्रकार के तथ्य पूछे और हो हल्ला कर दिया स्टूडेंट्स ने कि सर अभी तो पहले का करंट पूछ लिया। तो ये पहले का नहीं है, वर्तमान की जो आर्थिक समीक्षा है उसमें भी ये आंकड़े आएंगे, लेकिन अंतिम प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ही ये गणना और कैलकुलेशन पूछी जाती है। तो 34वें प्रश्न पे चलते हैं कि राज्य में इसमें भी आपका सत्य कथन का चयन करवा रहा है, राज्य में कुल प्रचलित भूमि जोत 76.55 लाख है। बिल्कुल सही है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कुल प्रचलित भूमि जोत 76.55 लाख है और महिला जोतों की संख्या 7.8 लाख है। ठीक है, जो 2010-11 में 68.88 लाख थी। मतलब ये दोनों डेटा मैंने इस वजह से लिखा है कि जो प्रचलित जोत हैं उनमें लगातार वृद्धि हो रही है, और लगातार वृद्धि क्यों हो रही है क्योंकि पहले सामूहिक रूप से निवास करते थे, अब परिवारों के विघटन हो रहे हैं और जो एकल परिवारों की संख्या बढ़ रही है तो उसी हिसाब से जमीनें भी बढ़ रही हैं। तो ये विकल्प आपका सही है। दूसरा विकल्प है, राज्य में सर्वाधिक जोत सीमांत जोत है, तो ये भी आपका सही है, सीमांत जोतों की संख्या ही सर्वाधिक है। तीसरा विकल्प है, 2015-16 के अनुसार राज्य में कुल जोतों का क्षेत्रफल 208.73 लाख हेक्टेयर है, ये भी आपका विकल्प सही है। 2015-16 के कृषि गणना के अनुसार राज्य में कुल प्रचलित महिला जोतों की संख्या 7.8 लाख रुपए मैंने आपको बताई थी वही है। तो इसका मतलब 1, 2, 3, 4 उपरोक्त सभी कथन आपके सही हैं, 4 नंबर का विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। अब ये 35वां प्रश्न है, सामान्य सा प्रश्न है कि राज्य में मानसून के पहुंचने का सामान्य तिथि निम्न में से क्या है। तो 15 जून को सामान्य तिथि मानते हैं, आमतौर पे मानते हैं कि राजस्थान में 15 से 30 जून के मध्य मानसून आवश्यक रूप से पहुंच ही जाता है, लेकिन जो आर्थिक समीक्षा में तिथि दे रखी है मानसून के पहुंचने की वो 15 जून है। अब देखिए 36वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फसल के उत्पादन में राजस्थान राज्य का प्रथम स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल के उत्पादन में राजस्थान राज्य का प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान नहीं है ये ध्यान, मतलब तीन फसल तो ऐसी हैं जिनके उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है और एक फसल आपको वो चयन करनी है जिसके उत्पादन में राजस्थान प्रथम नहीं है, मतलब हो सकता है द्वितीय स्थान भी हो तृतीय भी हो। तो ये देखिए आप, बाजरा है उसमें प्रथम स्थान है, सही है। सरसों प्रथम स्थान है, ये भी सही है। ग्वार तो लगभग 80% राजस्थान में ही है, ये भी सही है, प्रथम स्थान है। लेकिन ज्वार जो है वो ज्वार उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान नहीं है,
क्योंकि ज्वार सर्वाधिक साथियों महाराष्ट्र में होती है, और महाराष्ट्र के बाद में कर्नाटक ज्वार का सर्वाधिक बड़ा उत्पादक है कर्नाटक, और तीसरे स्थान पे है अपना राजस्थान। तो ये राजस्थान तीसरे स्थान पर है ज्वार उत्पादन में, इसलिए आपका विकल्प नंबर 4 इसमें सही आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न देखो, राजस्थान की फसलों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देश का लगभग 42% बाजरा राजस्थान में होता है, बिल्कुल सही है, प्रथम उत्पादक है राजस्थान इसमें। देश का लगभग 45% सरसों का उत्पादन राजस्थान में होता है, ये भी सही है, ये भी सरसों उत्पादन में भी राजस्थान प्रथम स्थान पे है। देश का लगभग 85% ग्वार राजस्थान में होता है, ये भी आपका सही है। 85% मतलब राजस्थान, ग्वार तो ग्वार उत्पादन तो में तो राजस्थान इसका मॉडल स्टेट है ऐसे मान लो, क्योंकि ग्वार उत्पादन राजस्थान के अलावा और कहीं भी इतना अच्छा नहीं होता, और देश के लगभग 72% तिलहन का उत्पादन राजस्थान में होता है। तो ये साथियों मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि 72% नहीं, लगभग 20-22% ही उत्पादन होता है आपका तिलहन का, संपूर्ण तिलहन का 22% राजस्थान उत्पादन करता है, इसलिए विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। देख लेते हैं, 22 बिल्कुल सही है, 22% ही है। 38वां प्रश्न है, राजस्थान की के अनुसार जलवायु के अनुसार राज्य के कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। जलवायु के अनुसार राज्य को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा है, तो सामान्य प्रश्न है, कुल 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में राजस्थान को बांटा गया है। 38वां, इसके बाद में 39वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राज्य के पहले कृषि बजट 2022-23 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। कुल कृषि बजट 78,938.68 करोड़ का था, बिल्कुल सही है। कुल कृषि बजट में सर्वाधिक बजट कृषि अनुदान का था 88.38%, ये भी सही है। इस बार की कृषि बजट की जो थीम थी वो समृद्ध किसान को साल राजस्थान था, ये भी सही है। तो उपरोक्त सारे ही कथन इसमें सही हैं, और 4 नंबर का विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, पॉपुलेशन एंड प्रोजेक्शन रिपोर्ट 2022 के अनुसार सितंबर 2022 तक राजस्थान में प्रति व्यक्ति बैंक ऋण कितना है। तो प्रति व्यक्ति बैंक ऋण लगभग 55,000 है, ये आपको ध्यान रखना है, 55,000 के लगभग राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति पर बैंक ऋण है, लेकिन 70,000 के लगभग बैंक में जमा भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये औसत मैं आपको बता रहा हूँ। तो 55,000 ये आपका आंसर हो गया 1 नंबर का, ये आपका गुणोत्तर 257 मैंने आपको बताया, 70,000 के आसपास जो प्रति व्यक्ति बैंक जमा है वो है। 86,134 रुपये आपकी प्रति व्यक्ति आय है स्थिर कीमतों पर, और 1,56,159 रुपये आपकी प्रति व्यक्ति आय है प्रचलित कीमतों पर। ये तो प्रचलित कीमतों पर है, ये स्थिर कीमतों पर है, ये दोनों आपकी प्रति व्यक्ति आय है राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, ये आपकी बैंक जमा है और ये आपका बैंक ऋण है लोन। ओके, इस प्रकार ये आप आज के 20 प्रश्न हुए। कल इससे आगे वाले जो प्रश्न हैं वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। यदि आपको ये वीडियो ठीक लगा, अच्छा लगा, आपको परीक्षा के लिए उपयोगी साबित हो सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।